नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बाराबंकी सिरोली घोसपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिरोली घोसपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खुर्दमो में तांत्रिक फिरोज बाबा व कलयुगी पिता को दौलत की लालच देकर उसकी ही 8 वर्षीय बच्ची को उतारा मौत के घाट, शव दफना कर हुए फरार। जी हां, आपको बताते चले, सिरोली घोसपुर क्षेत्र के ग्राम खुर्दमो में एक तांत्रिक बाबा फिरोज ने खजाने की लालच देकर अपने जाल में फंसाकर पीड़ित परिवार की 8 साल की बच्ची अनम फातिमा, जो कि 8 वर्ष की थी, जिसकी निर्मल तरीके से मार मार कर हत्या कर शव दफना कर फरार हो गए। जी हां, आपको बता दें कि खुर्दमो में रहने वाली आलम पत्नी रहनुमा ने बताया कि 3/11/2020 को मेरे पति व तांत्रिक बाबा फिरोज और उसके साथी हमीदा बानो इसराइल, ये लोग खजाने की लालच देकर मेरे पति आलम को अपनी बेटी अनम फातिमा की बलि देने को कहा, जिस पर आलम दौलत की लालच में आकर अंधा हो गया और पहले से प्लान बनाकर रात करीब 2 बजे तांत्रिक बाबा फिरोज को घर में लाया और अनम फातिमा को ले जाना चाहा, लेकिन रहनुमा बानो ने बताया कि जब मेरी लड़की ने साथ में जाने से मना कर दिया तो उसको इतना मारा कि सारा बदन काला पड़ गया। लड़की की मां रहनुमा बानो ने इसका विरोध किया तो उसके पति आलम व तांत्रिक बाबा फिरोज ने मिलकर उसको भी मारा पीटा, जिससे पूरे बदन में काफी गंभीर चोटें आई हैं। और आपको ये भी बताते चले कि पीड़िता रहनुमा बानो का कहना है कि रात करीब 2 बजे मेरी लड़की को मार कर चले गए। जब सुबह हुई तो मेरी लड़की मृत अवस्था में पाई गई। मेरे पति ने देखा कि लड़की मर गई है। उसने और तांत्रिक फिरोज बाबा हमीदा व इसराइल बाबा ने मिलकर शव ठिकाने लगाकर फरार हो गए और रहनुमा बानो को धमकी दी कि अगर किसी से कहा तो तुम्हें भी मार कर तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे, जिस पर पीड़िता महिला रहनुमा बानो ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महिला वासियों ने इस बेरहमी पर काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उन दोषी तांत्रिक बाबा फिरोज और उसके चेले इसराइल हमीदा बानो फिरोज बाबा को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मुश्ताक अहमद, जरीना बानो चुन्नू आदि लोग मौजूद रहे। महल्ला वासियों ने क्या कहा, आइए पूरा मामला वीडियो में देखते हैं। बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 3 में। कल यहाँ में खुर्दमो सिरोली घोसपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खुर्दमो में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख रहे थे कि पता चला कि यहाँ पर एक लड़की की बाबा ने निर्मल तरीके से हत्या कर दी है। यहाँ पर ग्रामीण यहाँ के मौजूद हैं, इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल देखा है और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह पीड़ित ने अपना बयान दिया है और किस तरह बताया है कि बाबा ने किस तरह से इनकी लड़की को मारा जिसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा है, सारे लोग यहाँ पे महिला वासी हैं यहाँ पर मौजूद है, इनमें काफी आक्रोश है बाबा के चलते। बाबा यहाँ से फरार हो गए हैं, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरीना। अच्छा, कल ये कैसी घटना घटी थी? ये लड़की जब मरी है उसके बाद में ये लड़की जन लोग उसको खत्म कर दी। किसने मारा? ये बाबा फिरोज बाबा ने मारा और ये आलम ने मारा। अच्छा, और इनके साथ में कितनी गैंग थी? और उनके साथ में ये क्या हबीबा, इसराइल और ये सब लोग रहे। अच्छा, सर आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। आप यही के निवासी हैं? जी हाँ। यहाँ की घटना बता सकते कैसे घटी? यहाँ पर रात में लड़की को जान से मार दिए। अच्छा, किसने मारा? बाबा थे, उनकी बीवी थी। बाबा का नाम क्या है? फिरोज। अच्छा अच्छा, और उनकी बीवी का नाम? हमीदा। अच्छा अच्छा, और उनके साथ में कोई कितने गैंग थे? वो लड़की के बाप आलम थे। अच्छा, और एक बाबा और थे साथ में। अच्छा, उनका नाम हमें नहीं मालूम। तो उनके विरुद्ध आप कौन सी कार्रवाई मांगेंगे? यही कि उनको सख्त सजा मिले। अच्छा अच्छा, इसराइल। आप बता सकते हैं आप क्या मांगेंगे प्रशासन से? इनके ऊपर जो प्रताड़ित किया गया है, इनको मारा गया है, इतनी बहरेमी से पूरा बदन काला है इनको, तो इनके विरुद्ध आप कौन सी कार्रवाई मांगेंगे? सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए कि आज इनके ऊपर हुई है, कल दूसरे के ऊपर हुई है। तो देखा आपने किस तरह मोहल्ला वासियों ने अपने अपना बयान दिया है, किस तरह से इनको मारा पीटा गया है। काफी घाव नजर आ रहे हैं, काले काले दाग हैं और जो बहुत ही बेरहमी से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कायदे से बहुत भयंकर तरीके से इनको मारा पीटा गया है। इनकी लड़की को बता रही है कि मारते मारते मार डाला गया है। पुलिस प्रशासन अब हरकत में आई है जो कि उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें से बाबा फरार है, उनके गैंग के जो भी लोग थे वो भी फरार हो चुके हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनमें काफी आक्रोश है, इन्होंने मांग की है कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे टीवी इंडिया टीम चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी खबरों के साथ में। नमस्कार। इसराइल रहे और फिर बाबा रहे और पहले मारिन है, बाद में उनके पापा रहे, दवा लगा रहे हैं, बस बाद में जब उन्हें बिटिया का आपकी आपकी लड़की को क्या किया है उन्होंने? मार दी, जान से मार दिया। सुबह मारी नहीं और जब अरे रात भर बहुत मारी, बस सुबह मारी मर गई। बबाइन का बताए तो बबाइन का, इसमें किसका किसका हाथ है, किसका किसका नाम लेना चाहिए? कमरे लेटी रह जाना ला कमरे पीछे लटा देना, मुड़ के दिया को पाई ना। तो आपकी लड़की कितने साल की थी? हमें बिटिया साल की रहे। उसका क्या नाम था? उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था आपकी लड़की का? और आपका नाम? आपका नाम? हमीदा नाम ले। और इसमें किसका किसका नाम था? हमीदा। हमीदा हमीदा। ये कौन है हमीदा? बाबाई। अच्छा, और बाबा कौन थे? बाबा वही फिरोज बाबा रहे। अच्छा, फिरोज बाबा थे। और मैं आलम 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 ये कौन है? आलम के आदमी। अच्छा अच्छा, और इसराइल ये कौन थे? इसराइल हमीदा के मियाँ है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं? अभी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई।